हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पीएस क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमें कहा गया है कि 3π/20 को सेक्साडेसिमल और सेंटेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो आप एग्जाम में इसको देख के डर जाएंगे, यार ये क्या पूछ लिया, सेक्साडेसिमल या फिर सेंटेसिमल सिस्टम क्या है। कुछ नहीं यार, ये सब हमने पढ़ा हुआ है और जो मैं आपको करवाऊंगा करने के बाद आपको पता लगेगा ये था। फिर आप कहेंगे यार वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकला क्या चूहा। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। तो हमें 3π/20 दिया हुआ है। जब भी पाई में आपको आंसर दिया है मतलब ये रेडियन ही है। अगर नहीं भी ऊपर सी लिखा, जैसे 3π/20 दिख रहा है लेकिन आपको वो छोटा सी नजर नहीं आ रहा जिसका मतलब होता है रेडियन, अगर नजर नहीं आ रहा तो भी मान के चलिए कि ये रेडियन ही है। इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब है यार इसको बस डिग्री में बदलना। तो ये तो हम कर चुके हैं ना पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। तो वीडियो नंबर 2 में हम ये सब कर चुके हैं, तो उसी को ही रिपीट करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्साडेसिमल का मतलब है डिग्री की बात कर। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। हमें डिग्री निकालना है तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन वो ये है कि पाई रेडियंस में ₹180 होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जो आपको निकालना है उसको आपको राइट साइड लिखना है, ठीक है। राइट साइड क्यों लिखना है, क्योंकि राइट साइड लिखने से आपका वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पाई रेडियंस में 180 डिग्री, सेक्साडेसिमल का मतलब है हमें डिग्री में निकालना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 180 डिग्री को राइट साइड लिखा है। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री आएंगे, तो 1 रेडियन में आ जाएंगे 180/π/, ठीक है। तो हमें सवाल में दिया हुआ है 3π/20 रेडियंस, इसमें बताओ कितने डिग्री आएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से निकाल देंगे हम। तो 1 रेडियन में आते हैं 180/π/, तो 3π/20 रेडियन में आ जाएंगे हम। क्या करेंगे, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 3π/20। पाई से पाई कट कर दीजिए, कट हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, ये जीरो नजर आ रही है, नीचे वाली जीरो को ऊपर वाली जीरो से काट दीजिए, ये भी कट हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, ये 2 का टेबल पढ़िए, तो नीचे वाला 2 का टेबल 2 पे कब आएगा, 1 पे। ऊपर वाली वैल्यू जो 18 नजर आ रही है वो 2 के टेबल पे कब आएगी, 9 पे। तो अब कटने लायक कुछ बचा नहीं है, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा 9 और 3, तो 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 27 डिग्री। तो यही आंसर है। तो आपको ऐसे ही बस जा दिया गया था कि भाई इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में निकालो। सेक्साडेसिमल का मतलब बस रेडियन को डिग्री में कर दो और कुछ नहीं करना आपको। तो ये हम पार्ट टू में कर चुके हैं, तो कुछ नया नहीं था, बस ये आपको पता होना चाहिए कि सेक्साडेसिमल सिस्टम है क्या। जो सेंटेसिमल सिस्टम है वो थोड़ा सा आपके लिए नया, तो चलिए ये भी देख लेते हैं इसमें क्या होता है। देखिए अभी तक हम जो एंगल है ना उसको नाप रहे थे या तो डिग्री में या रेडियन में। एंगल को नापने का एक और तरीका है, वो है ग्रेड्स में नापने का, ठीक है। तो उसी ग्रेड्स के सिस्टम को हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। तो आपको एक रिलेशन बताता हूं, ये याद रखना है और आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो रिलेशन क्या है, देखिए कि 180 डिग्री बराबर होता है 2π, 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियंस और 200 ग्रेड्स। ये छोटा सा जी लिख दिया मैंने, तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियंस और बराबर किसके, 200 ग्रेड्स की। जो 180 डिग्री होता है ना इसको हम जानते हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं,
और इसको हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। और इसको हम सेंटेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब आप सवाल को आराम से कर लेंगे। तो हमें सवाल में क्या दिया था कि भाई 3/20 पाई रेडियंस है हमारे पास, 3/20 पाई रेडियंस है। इसको हमें ग्रेड्स यानी कि सेंटेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर, तो हमें रेडियन और ग्रेड वाला रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो हमें पता है जो मैंने आपको रिलेशन बताया कि पाई रेडियंस में 200 ग्रेड्स होते हैं, इस रिलेशन को यूज कीजिए। तो पाई रेडियंस बराबर 200 ग्रेड्स। ग्रेड्स को मैंने राइट हैंड साइड लिखा, ये हमारी इक्वेशन, ये राइट हैंड साइड और ये जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो जो आपको निकालना है उसको आप राइट हैंड साइड रखिए। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालने हैं ग्रेड्स, ग्रेड्स यानी कि सेंटेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है इसको। तो इसीलिए मैंने ग्रेड्स को राइट हैंड साइड रखा। तो पाई रेडियंस में 200 ग्रेड्स एक रेडियन में हो जाएंगे 200/π ग्रेड्स, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 3/20π रेडियंस में कितने ग्रेड्स होंगे। तो बस आपको क्या करना है कि एक रेडियन में अगर 200/π ग्रेड्स होते हैं तो जितने मर्जी का पूछ ले, बस आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 200π × 3/20π। अब आपको क्या करना है, बस कटिंग करनी है, तो कटिंग कीजिए और आंसर आपके सामने है। तो कटिंग करते हैं, चलिए ऊपर वाले पाई को नीचे वाले पाई से काट दिया। चल भाई निकल, ऊपर वाली एक जीरो को नीचे वाली एक जीरो से काट दीजिए। चल भाई ये भी गया। अब ऊपर वाले और नीचे, ऊपर जो आपको 20 नजर आ रहा है और नीचे 2 नजर आ रहा है, दोनों को एक ही पाड़े से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करते हैं। तो नीचे वाले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ऊपर वाले 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10। तो ऊपर की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, ऊपर है 10 × 3 यानी कि 30 और नीचे खैर 1 है, 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं। और आप यहां पे लगा दीजिए ग्रेड्स, क्योंकि हमने ये ग्रेड्स में निकाला आंसर, तो जी लिख दीजिए और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने जो है सेंटेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, जो कि बहुत ही इजी था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बुक में अगर ये क्वेश्चन होगा तो उसके आसपास जरूर लिखा होगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर कीजिए और आगे इसको शेयर भी जरूर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स के काम आ सके।